सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे आप, मुझे पता है। तो आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन में खड़ा हूँ लक्ष्मी नगर के। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग सीधे जा रहे हैं खाटू श्याम राजस्थान। तो हमारे पूरे ऑफिस के जितने भी बच्चे लोग हैं सब आ चुके हैं। देखो जय श्री राम। तो हम लोग सब रेडी है जाने के लिए। तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं मेट्रो का, पिछले को मेट्रो आए नहीं है अभी तक, तो मेट्रो का वेट कर रहे हैं। मेट्रो का वेट करते सीधे मिलेंगे आपको कहाँ पर? सराय काले खां। तो सराय काले खां से हम निकलते हैं सीधे। तो आप कैसे लग रहे हैं? आपको फर्स्ट टाइम जा रहे हो? कितने टाइम दूसरी टाइम? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड। तो हमारे अविनाश भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो अब इनका एक्सपीरियंस वहाँ का सजेस्ट कर देते हैं। अनुभव देखें कैसा रहेगा। और ये हमारा अवनीश भाई कैसा है? फर्स्ट टाइम इनका ही फर्स्ट टाइम है। हमारे कलु का कलुओं का भी फर्स्ट टाइम है हमारे। तो कलुआ भाई कुछ बोलेंगे तो सब? अरे ये हमारा जो ललुआ भाई है। अबे साले, ये हमारा ललुआ कलुआ के दोनों की जोड़ी बनी बन गई है अभी तो जल्दी में, और बीरू वाली। ठीक है, हम बाबा के धाम जा रहे हैं, खाटू बाबा के धाम। तो इसके बारे में बताओ भाई, कौन है ये? हमारे साले साहब हैं। साले साहब हैं। तो ये साले साहब आए क्या नाम? विवेक के साथ हमारे। तो मिलते हैं सीधा हम कहाँ पर? हाँ भाई मिलते हैं, हम सीधा आप मिलते हैं वहीं जहाँ भी मिलना है हमें। मिलना है, ठीक है बाबा। भाई कलुआ हमारे पास बैठ चुके हैं मेट्रो में। कलुआ ठीक हो ना? भाई कलुआ और ये हमारे गजब बेइज्जती है। क्या नाम है? अविनाश। तो हो रहा क्या नाम? सुना सीखे। बाकी हमारे ये विवेक, आप मुझे तो जानते होंगे। नहीं जरूर। तो कलो भाई कुछ बताओ, कैसा लग रहा है मेट्रो में बैठ के पहली बार? पहली बार। कलो भाई बताओ। कलो भाई ये कर रहे हैं? कलो भाई कुछ बोलना चाह रहा हूँ, सुनिए। कंट्रोल पीली वाली रेखा काम कर रही है। तो हमारे भाई जाएंगे नीचे जड़ सुए के लिए, रुकम उठा सकते हो वहाँ जाके? वहाँ जैसे क्या वहाँ आ जाएंगे मामा लोग उठाने मेरे। मामा लोग आएंगे। 150 रुपये का फोन लिया, अगर आई आप आईफोन देख रहे हो आप, अरे वहाँ फेंक दूंगा 150 रुपये का उसका कीमत हो जाएगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं क्या है काले खा बस स्टैंड। तो ये सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, तो हमने चाय ले ली है, ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये मूंगफली है, रेवड़ी है, समोसे हैं और चाउमीन है, बिरयानी है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो भाई यहाँ से सब कुछ बैग पैक करके ले गए खाने के लिए। भाई भी उड़ा उड़ा लो आपका हमारा असिस्टेंट मेरे साथ चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, अभी ना बहुत बड़ा हमारे साथ वो हो चुका है, ट्रेंड नहीं कह सकते हैं, ट्रेजेडी हो गई है। हाँ, हमारी ना जो वोल्वो बस थी हमारी बुक थी, वो हम लेट हो गए आने पे, तो वो निकल चुकी है। तो क्या करें हम इसमें? भैया हम भी जा रहे हैं, हमें भी ले लो। रोडवेज ही हरियाणा रोडवेज बस है, तो मैं बस दिखाता हूँ। खुले नहीं बाबा, भैया खुले नहीं है भाई, भाई गुलबाद मेरा खुले नहीं है। देखिए जेब के थोड़ा सावधान, खिड़की से पूरे ये फोन छीन लेते वैसे इनसे बस। अरे इधर देख लो साले साहब, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बताए। कुछ बोलना चाहते? ये गुटखा खाते रहते हमेशा, इधर कुछ काम ही नहीं है, गुटखा खाऊं? आपको कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। गुरु अमरदास गुरु जी। भाई मजा आया। हाँ तो अभी देखो बस गड़गड़ाहट से गूंज उठी है, इसका मतलब बस चलने वाली है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं बस के अंदर आ चुके हैं। तो केजरीवाल के हमारे पास समर्थक बैठे हुए हैं, मिलाना चाहते हैं। जय श्री राम की, बोल खाटू नरेश की जय, बोल आरे के सहारे की जय, बोल जिसके गाली की जय। हमारे बीच में आ चुके हैं अंताक्षरी के गुरु महाकालेश्वर गजब बेइज्जती है।
अच्छा कमेंट से इनको लग रहा है कि मैं इन पे कमेंट्स कर रहा हूँ। देखो इनको अपनी खूबसूरत के बारे में, अपनी खूबसूरती के बारे में पता नहीं है भाई साहब। तो आप बताना सर क्या है, मतलब राज क्या है खूबसूरत? तो आप भजन कुछ भजन सुनाना चाहते हो बताओ दर्शकों को। फिलहाल मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है मेरे माइंड में, कुछ फीलिंग मेरे माइंड में रुकी हुई है। बताइए वो। चलो वो दर्शकों से बता सकते हो आप? दर्शकों में इतना जानता हूं कि मेरा तरुण नाम का दोस्त है और कंट्रोल तो अभी हम बस से उतर चुके हैं, रात के दो बजे बस उतर चुके हैं ढाबे के अंदर। फिर ढाबे का नाम पता मुझे ये देखिए, ढाबे के अंदर बैठ चुके हैं, हमारे भाई ने खाना लगा चुके हैं। ये खीरा ये दो ये जल रही है कितने की? ये फुल प्लेट देखो, फुल प्लेट है 250 रुपए की। चम्मच कितना उसका? प्लेट तो काफी कितना है? कितनी बड़ी कटोरी बना के बोल दो, फुल प्लेट 250 रुपए की। आधी चम्मच ही है, आधी चम्मच ही है। दुनिया ना मिले जी लूंगा मगर तेरे दिल में जगह चाहिए। मुझे फिर और क्या चाहिए? पीछे सवारी आ रही, पीछे दिखा दो। कौन सा सवारी आ रही है? देखो और चेकिंग होगी भाई, अब चेकिंग होगी सबकी। अमरनाथ भाई, अस्सलाम भाई साहब। माल पिएंगे माल पिएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं सीधे खाटू श्याम द्वार। अब यहाँ पर दोनों द्वार कितनी दूर है? ऐसे बस 5 मिनट है, क्योंकि बस से हम बस से पहले उतर गए। तो अब जा रहे सीधे हम होटल वगैरह देखने के लिए। तो देखते होटल मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलेगा क्यों नहीं भाई, मिलेगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा। मिलेगा तो चल रहे हैं, पहुँच चुके हैं अब इस टाइम कहाँ पर? हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान। ओह बहुत अच्छा, हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान। वाह वाह वाह, जहाँ पर बसे हैं हमारे खाटू श्याम। खाटू श्याम क्या बात है, क्या बात है। अब निकल चुके हैं होटल के लिए, रूम देखने जा रहे हैं। तो रूम का पता नहीं कैसा मिलेगा, जैसा ही मिलेगा नहा धो के बस नहाने के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम रूम में नहा धो के सीधे निकलेंगे हम दर्शन करने के लिए। तो ये लोग नहाते नहीं है आज, नहाने भाई कैसी बात कर रहे हैं, गजब बेइज्जती है। नहाते नहीं आज, नहाने की कोशिश करेंगे क्योंकि घर पे काम आए। तो हमारा हमारा कल वो भाई दिखा बताएंगे हम नहाते नहीं है कि नहीं नहाते। अमरनाथ जी, ओ अमरनाथ, तो बताइए आप नहा फर्स्ट टाइम नहाओगे वहाँ पर आके? मैं पागल हूँ। तो अंकल जी ले, यही अंकल जी लेके जा रहे हैं हमें रूम लगाने के लिए। तो अभी हम ये होटल पर आ चुके हैं, ठीक ठाक है। 7 लोग हैं हम, 7 लोगों के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने रूम ले लिया है, तो रूम बहुत अच्छा होता। कैसे रहा रूम आपको? 100 रुपए में रूम लेना है जिसे कल लगा एकदम। अरे 100 रुपए वो मिलेगा क्या? ताजमहल तो और बात होती है, क्या बोलते हैं AC सब मिलेगी, बड़े बड़े नाश्ता पानी। 100 रुपया रूम मिला है, उनको AC भी चाहिए इसके अंदर, नाश्ता पानी भी चाहिए, पंखा लाइट सब दे रहे हैं और क्या चाहिए। अगले साल इसका मार्च तक में वो लग जाएगा, AC का काम हो जाएगा। रूम बढ़िया है, काफी अच्छा। अगर आप लोग आओ ना जब तक इसका AC स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से आ गए हम खाटू नगरी
और अब जा रहे हैं दर्शन के लिए, तैयार हो गए गया कसम से। तो अभी होता क्या है कि हम लोग ने तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं सबके सब, ये देख लीजिए। और अभी हम धर्मशाला से निकल चुके हैं, अब सीधे जा रहे हैं हम दर्शन की ओर। तो आपको मन्नत भाई नहाए नहीं है, बिना नहाए ये देखो भाई आज तो नहाने जाएंगे। आज तो कभी कभी नहा लेता है, चलो कोई बात नहीं, वो मजाक कर रहा है, कभी नहा लेता है, ये देखो मजाक से हट के। तो अब सीधे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो सीधा मिलते हैं आपको मंदिर के अंदर ही। जय श्री श्याम, 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 जय आ गया दर्प तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से हमारे साथ खाटू श्याम, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ खाटू श्याम, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमाच, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमाच, तो किस बात की चिंता, किया करते तुम दिन रात किस बात की चिंता, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ खाटू श्याम, तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर बात रहे हर सांस, रहे हर सांस में श्री राम के भगवान की चिंता, हमारे हर सांस में भगवान के राम की चिंता, हमारे साथ खाटू श्याम, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमाच, तो किस बात की चिंता, और खाटू नरेश की आ चुके हैं मंदिर के द्वार पे, सीधे अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जय श्री श्याम, 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 हम साथों के साथ एक साथ आ चुके हैं। जय श्री श्याम। श्याम कुंड में कौन कौन जाने वाला अभी? सब जाएंगे, एक साथ जाएंगे, सब भीगते हुए जा रहे सारे के सारे। तो पूरा भिक्षु हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। शाम कुंड बहुत चुप। अरे रजो खाटू धाम में चाम कुंड पहनावेगा, हो जाए निरोगी काया पाप मिट जावेगा। तो हमने भोजन ले लिया है, छोले भटूरे, सुबह से कुछ खाया नहीं था, दर्शन के बाद खाने का मन कर रहा था। हमारे दो बंदे खो चुके हैं, उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, उनका वेट करना छोड़ दिया उन्होंने। सही बात है, लो भूख बर्दाश्त खाने के आगे सब कुछ फेल है। तो खाना खा के मिलते आपसे। खाटू धाम की ये स्पेशल कड़ी कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ये भाई खा के बताएंगे कैसे लगा। आपने टेस्ट लगा उसका? अभी टेस्ट नहीं किया, अभी बहुत काफ़ी गर्म है, होते नहीं कर पा रहे, वो जल जाए। तब थोड़ा टाइम लगेगा खाने में, बिल्कुल। फिर खाने के बाद उसका टेस्ट बताता है कैसा है। जी बिल्कुल, भूख में सब कुछ अच्छा लगता है, भूख में सब अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आ।
निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि मौसम लगा हो चुका है भाई, बोरी बहुत परेशान है मेरे भाई। पाँच जो खो गए थे वो मिल चुके हैं, तो बहुत अच्छा है अरे भाई दिल्ली जा रहे हैं बारिश में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस मौसम सही था तो अच्छा था, लेकिन अब बारिश हो गई है तो फिर आप देख सकते हैं माहौल बाहर का। दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू, दर्द ना कहूँ मैं किसी से बस तो से बांटूं। हो गया बाहर देख सकते हो आप लोग, ये देखो बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, लेकिन थोड़ा बारिश नहीं आना चाहिए। और फाइनली बस मिल चुकी है, मैं टिकट लेने गया कंडक्टर से, तो फाइनली मैं बस मिल चुकी है, दिल्ली की डायरेक्ट दिल्ली जाएगी सुबह, कल नहीं तो मौसम भी देख सकते कितना सुहरा हो रहा है। अरे कंडक्टर साहब दिल्ली कब तक पहुंच जाएगी? नहीं फिर भी टाइमिंग तो होती है कि 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 18 घंटे कुछ तो पता होगा। कुछ जगह आइडिया मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम सो लेंगे जा लेंगे। 5 घंटे शाम मुरली वाले का मेला डिला खाटू वाले का, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो कुछ ऐसा
हेलो गाइस, अभी हम कब चुके हैं बस से, आप निकल गए घर के लिए, बाकी सब भी निकल गए, तो बाकी सब लोग भी निकल गए अपने अपने ऑटो पकड़ के, और हम भी ऑटो में बैठे हैं सीधे फिर घर जा रहे हैं। तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना।